हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना बुटबॉय चैट के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जहीर। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में लेके आऊँ लिविंग रूम का डिजाइन। अगर आपको जैसे लिविंग रूम में टीवी यूनिट बनाना, किस तरीके से बनाना चाहिए, और वॉल पे जैसे कि आपको मोल्डिंग बनानी है पीओपी में, वो किस तरीके से डिजाइन होना चाहिए, आपका पैनल का भी डिजाइन किस तरीके से होना चाहिए, जैसे कि आपको जो अपने पर्दे के पैनल बनाने हैं तो उसका भी डिजाइन आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरी वीडियो देखें लास्ट तक, आपको पता चलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिसमें कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, वीडियो प्रॉपर देखना, पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। वीडियो में चल दे सकते हैं दोस्तों, दराज अगर आपको जैसे बनानी है तो ये अपने जैसे हाइट में 12 इंच है, तो इसमें सी प्रोफाइल हैंडल जो अपना लगा रखा है, जिसमें कि हैंडल लेस जो दराज आपको बनानी है, ये अपना 8 इंच हाइट में, और नीचे से जैसे आपको उठाना है तो ये आपका उठेगा 4 इंच स्टार्टिंग से। तो इस तरीके से उठा सकते हैं, और उसके आप देख सकते हैं ये भी अपने 8 इंच की दराज है, आप देख सकते हैं। अगर आपको जैसे बनाना है तो इस प्रकार ले सकते हैं। अंदर इनर माइका आप इसमें लगा सकते हैं, जैसे आपको लगानी है तो इसमें आप डिजाइन देख सकते हैं। अगर आपको इस प्रकार लेना तो ये अपना देख सकते हैं। इधर भी इसमें जो चैनल लगा रखी है, ये कार्टून चैनल है जो हमारी सॉफ्ट क्लोज है, इस प्रकार बना सकते हैं। ये आपका साइज आप देख रहे हैं, जैसे 4 इंच है तो यहाँ पे आपका साइज 8 इंच ही हो जाता है, तो इस तरीके से साइज बढ़ जाता है। फिर इसके बाद हम जैसे ये लगाते हैं तो ये भी आपका इसी लेवल में, और गहराई की हम बात करें तो ये आपका 12 इंच है, इस प्रकार ले सकते हैं। और ये जैसे आपका 8 इंची हाइट में, तो ये आप देख रहे हैं डिजाइन पूरा अपना। अगर आपको जैसे पैनल का डिजाइन बनाना तो ये आप देख सकते हैं, लोवर्स लगा रखे हैं इसमें, और ये अपना लैमिनेट, ये लैमिनेट है, और अपना देख सकते हैं। इसकी जैसे हम लेंथ की बात करें तो 15 फुट इसकी लंबाई हो जाती है अपना जो टीवी पैनल है, और इसमें जैसे आपको बड़ा टीवी लगाना है तो इस तरीके से अपना एक बड़ा टीवी पैनल बना सकते हैं। हाइट तो आपकी जो हमारी छत तक बना रखी है हमने, इस तरीके से अगर आपको बनाना, अगर जगह है आपके पास तो इस प्रकार बना सकते हैं। जैसे आपको बनाना तो ये पैलमिड है, पैलमिड का डिजाइन दे सकते हैं। अगर आपको लेना जैसे पर्दे के लिए पैलमिड की जरूरत है तो इस तरीके से बना सकते हैं, और अपना डिजाइन देख सकते हैं। जैसे कि आपको बनाना तो इसमें जैसे हमारे पर्दे अंदर चले जाते हैं, तो जैसे आपके जैसे रोड देखनी चाहिए तो पैलमिड इस तरीके से ले सकते हैं। इधर जैसे पिलर ढकने के लिए हमने लोवर्स लगा रखे हैं, इधर भी तो ये लोवर्स लगा रखे हैं। ये अपने जैसे कि जो पिलर था उसको ढका था, उसमें फिर इसमें लाइट लगा रखी है, और ये आप देख सकते हैं मोल्डिंग, ये पीवीसी। अगर आपको जैसे ये बनानी है तो आप इसमें भी बना सकते हैं, बोर्ड में HDHMR बोर्ड में भी बनती है मोल्डिंग। अगर आपको जैसे पीओपी बनानी है वो भी बना सकते हैं, बाकी अपना वुडन में ज्यादातर लगती है जो हमारी बनाई जाती है, HDHMR बोर्ड में बना सकते हैं, वो लगा सकते हैं, जिसमें कि आपका जल्दी भी काम हो जाता है और मजबूती भी अच्छी रहती है। तो इसको बना के अपना लगा सकते हैं, गिट्टी से हमारा फिक्स हो जाता है, इस तरीके से एक मोल्डिंग बना सकते हैं जो डिजाइन में अपना अच्छा रहता है। आपको जैसे बॉल पे अपना डिजाइन कुछ भी लगा, अपनी जैसे सिंदरी लगा, कुछ भी बनाना आपको जैसे लगाना, तो वह अपने डिजाइन इस प्रकार ले सकते हैं। तो ये भी अपना जो पिलर था उसको ढकने के लिए यहाँ पे भी लोवर्स लगा रखे हैं, और ये अपना डिजाइन पार्टीशन का आप इस प्रकार ले सकते हैं। ये अपना इधर डिजाइन दे सकते हैं, और ऊपर अपना डिजाइन दे सकते हैं, छत का भी फाल सीलिंग का डिजाइन, जैसे कि आपको लिविंग रूम में किस तरीके से फाल सीलिंग का डिजाइन रखना चाहिए तो आप डिजाइन दे सकते हैं, और अपना सोफा आपको किस तरीके से लगाना वो भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से अपना एक डिजाइन लिविंग रूम का इस तरीके से प्रकार बना सकते हैं, और अपना डिजाइन पूरा देख सकते हैं इसमें, जैसे किस तरीके से एक लिविंग रूम का डिजाइन किस तरीके से साइज है, साइज के हिसाब से अगर आपके पास स्पेस है तो इस प्रकार बना सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छा लगा डिसलाइक दे सकते हैं। अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहते हैं, ऐसा अच्छा वीडियो फिर लेकर आएंगे आपके लिए। आप अपना रखिए ख्याल, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू फ्रेंड।